लॉ ग्रेजुएट्स के लिए बहुत ही शानदार लेवल वैकेंसी निकल के आ चुकी है और ये निकल के आई है TSDC इंडिया लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे जो लॉ ग्रेजुएट फ्रेशर हैं वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दो अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी निकल करके आई हुई है और इन दोनों के बारे में हम जिस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी एक लॉ ग्रेजुएट हैं और जॉब की तलाश में है, बिल्कुल फ्रेशर है, तो टेंशन नहीं लेने का। इस वीडियो में आपको जो है पूरी प्रोसेस बताई जाएगी स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या प्रोसीजर है, वो सब कुछ जो है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि ये जो जॉब पोस्ट है ये TSDC इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकल करके आई है और इसके अंतर्गत जो है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग कंपनी सेक्रेटरी और असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी के जॉब पोस्ट की वैकेंसी निकल करके आई हुई जो कि रेगुलर बेसिस जॉब पोस्ट है। अब जान लेते हैं कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो जैसे कि आप पहला जो जॉब पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग कंपनी सेक्रेटरी का, जिसमें कि टोटल एक पोस्ट वैकेंसी निकल करके आई हुई है और इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है ग्रेजुएट एंड मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, उसके अलावा आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए एक्सपीरियंस की बात करें तो नील है, यानी कि आपके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 9/8/2023 के आधार पर आपकी जो एज लिमिट है 30 साल तक होनी चाहिए, यानी कि 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और वही जो दूसरा जो पोस्ट है जो कि है असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी का, इसके अंतर्गत भी जो है एक पोस्ट वैकेंसी निकल करके आई हुई है और इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है ग्रेजुएट एंड मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड ग्रेजुएट इन लॉ। और इसके लिए जो है आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए जो कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होने चाहिए आपके पास, जो कि कम से कम 1 साल का होना चाहिए और वो भी जो है एग्जीक्यूटिव या ऑफिसर पोस्ट पर, जिसकी मिनिमम सैलरी 50,000 से लेकर के 1,60,000 रुपये तक की होनी चाहिए। इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 32 साल रखी गई है। तो आप जो है इन दोनों में से जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे जो एक कंडीशन और जोड़ा गया है जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, नॉट लेस देन 65% मार्क्स इन 10th एंड 12th एग्जामिनेशन टेकिंग एवरेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट विल ओनली बी कंसिडर्ड। यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे कि आपके जो है 10th और जो 12th है उसमें कम से कम एवरेज 65% मार्क्स होने ही चाहिए। अगर उससे कम मार्क्स आपके आए हुए हैं 10th और 12th में तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है और आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी भी जमा करनी होगी, जो कि रजिस्ट्रेशन फ़ी के नाम पे आपको जो है 600 रुपये जमा करनी होगी अगर आप जनरल OBC या EWS कैंडिडेट हैं तो। और यदि आप जो है रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या जो यहाँ पे जो लिस्ट में नाम दिया गया है इसमें से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी के नाम पे कुछ भी नहीं जमा करनी है, यानी कि आपके लिए बिल्कुल फ्री फॉर्म है। इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करनी है, तो इसके लिए आपको जाना होगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको जो है जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसे जो है इस ईमेल एड्रेस पे जो कि TSDC@TSDC.co.in इस ईमेल एड्रेस पे आपको जो है अपने CV के साथ में जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद डाउनलोड करेंगे उसे जो है आपको सेंड करनी होगी। इस पोस्ट की अप्लाई करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 9/8/2023 से शुरू हो चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 8/9/2023 है और इसके लिए जो पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो है 10/9/2023 5:30 से पहले पहले आपको जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करके आपको जो है इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है उसे जमा कर देनी है। इसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं और यदि आप जो है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है, आप वहाँ से इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों का जवाब टाइमली दिया जाए। मिलते हैं किसी और नए लेकर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।